Hello students, in the last video we have started the demodulation techniques of amplitude modulation and we have studied square law demodulation. And in square law demodulation we have developed one very important conclusion that if we want to use square law demodulation technique for AM generation, then modulation index should be very, very low. Okay. And we have compared that for effective power distribution, we need very, very high modulation index value. So we cannot use square law demodulation. So in this video, we will study envelope detector, the next demodulation technique of AM. Okay. So what is envelope detection? Envelope detection method kya hota hai? Okay. So sabse pehle, main yahan par envelope detector ka circuit diagram draw kar deta hun aapke liye. Okay, so there is one resistor, there is one diode, okay, there is one capacitor, okay, and there is also one more resistor, okay, to ye hota hai aapka circuit diagram of envelope detector, that's it. Aap soch rahe honge ki yahan par humne sirf aur sirf two resistors use kiye hain, one diode and one capacitor, to actual mein yahi is envelope detector ki importance hai. कि ये बहुत ज्यादा चीप होता है आपके लिए, ठीक है ना? इस पे आपके जो कंपोनेंट्स है वो बहुत ज्यादा चीप है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो यही इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है एनवेलप डिटेक्टर की. ओके, तो यहां पर मैं नेमिंग कर देता हूं. फर्स्ट रजिस्टर इज सोर्स RS, लास्ट इज RL एंड कैपेसिटर इज C. ओके, नाउ यहां पर आप इनपुट देंगे. इनपुट क्या होगा आपका? AM वेव फॉर्म होगी. ओके, तो यहां पर मैं एक AM वेव फॉर्म दूंगा एज अ इनपुट. ओके, so this is my AM waveform. Now output क्या होगा आपका? Output आपका यहां पर क्या मिलना चाहिए envelope detector से आपको? Message signal. Okay, यही हमारा aim होगा. तो अब हम इस circuit का analysis करते हैं यहां से, ठीक है? अब आप देखिए जो यहां पर diode है, diode forward bias होता है when P is greater than N, और diode reverse bias होता है when P is less than N. ठीक है ना? ये आपका पॉजिटिव साइड है और ये आपका नेगेटिव साइड है, ठीक है? तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो आइडियल केस पे हम क्या क्या लेके चलेंगे कि व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस इट विल बी शॉर्ट सर्किट एंड व्हेन डायोड इज रिवर्स बायस इट विल बी ओपन सर्किट. ओके, तो ये हमारा आइडियल कंक्लूजन होगा फॉर डायोड. नाउ यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब डायोड आपका शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है, तो आपका कैपेसिटर क्या होने लगेगा? चार्ज होने लगेगा. कैपेसिटर को डायरेक्ट सप्लाई मिलेगी, डायरेक्ट इनपुट के थ्रू क्या होगा? वो चार्ज होगा. ओके, सो कैपेसिटर विल बी चार्ज्ड वाया आरएस. ओके, यहां पर आपका सोर्स रजिस्टर है, उसके थ्रू कैपेसिटर क्या होने लगेगा? चार्ज. सो यहां पर जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आरएस इनटू सी. ओके, नाउ अगर आपका डायोड ओपन सर्किट होता है तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होने लगेगा वाया लोड रजिस्टर. ओके, तो जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा आपका आरएल इनटू सी. ओके, आइडियली हम क्या चाहते हैं? आइडियली हम ये चाहते हैं कि जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हो वो लेस हो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट से. आप यही चाहेंगे ना, किसी भी चीज को अगर आप चार्ज कर रहे हो तो चार्ज आपका जल्दी हो और डिस्चार्ज आपका बहुत ज्यादा क्या हो? स्लो हो. क्लियर है पॉइंट यहां तक आपको अच्छे से? नाउ अब इतने एनालिसिस के बाद अगर मैं इसका ऑपरेशन देखूं अब कि कैसे ये वर्क करेगा सर्किट आपका, तो इसके लिए मैं एक सिंपल सी इनपुट कंसीडर करता हूं फॉर एनवेलप डिटेक्टर. ओके, एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म अज्यूम करता हूं, ठीक है? सपोज करिए वीआई आपका इनपुट है, ठीक है, और एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म मैं यहां पर ले रहा हूं, ठीक है? नाउ फॉर दिस साइनोसॉइडल वेवफॉर्म हमें यह चेक करना है कि आउटपुट क्या होगा व्हेन दिस साइनोसॉइडल वेवफॉर्म इज इनपुट फॉर द एनवेलप डिटेक्टर. क्लियर है पॉइंट? नाउ अब आप यहां पर देखिए, हमने यहां पर क्या स्टडी की है कि जो आपका डायोड है वो फॉरवर्ड बायस होगा जब पी इज ग्रेटर देन एन होगा, ठीक है? इसका मतलब क्या है? जब भी आपका इनपुट इंक्रीजिंग होगा तब तब डायोड आपका क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा. और जब आपका इनपुट डिक्रीजिंग होगा तो डायोड क्या होगा? आपका रिवर्स बायस होगा. क्लियर है पॉइंट यहां पर अच्छे से? तो अब अगर मैं यहां पर आउटपुट को ड्रॉ करूं, ठीक है, तो आप देखिए यहां से, देखिए इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक ये जो आपका पॉइंट है
इसमें जो डायोड है वो आपका फॉरवर्ड बायस होगा, क्यों? क्योंकि आपका जो इनपुट है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होता 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 वो कहां तक पहुंच गया, आपका मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया, ठीक है। तो आपका जो आउटपुट है वो क्या होगा, हम यहां सर्किट से देखते हैं। देखिए, जब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होगा तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और कैपेसिटर के अक्रॉस ही आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि कैपेसिटर और आरएल दोनों क्या है, पैरेलल में ही है, ठीक है। तो अगर कैपेसिटर आपका चार्ज हो जाएगा अप टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट, तो जो आपका आउटपुट रहेगा वो भी कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए आप, लाइक दिस, ओके, मैक्सिमम वैल्यू तक चला जाएगा वो, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। नाउ ये कहां तक होगा, अप टू टाइम टी वन तक, ठीक है। तो आप कह सकते हैं टाइम जीरो टू टी वन, ठीक है, केस वन क्या था, टाइम जीरो टू टी वन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, ओके, सो कैपेसिटर विल चार्ज, क्लियर है पॉइंट। नाउ केस टू अगर मैं लू, यहां से आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू के बाद इनपुट आपका डिक्रीज होना चालू हो गया है, ठीक है, और अगर इनपुट डिक्रीज होगा तो डायोड रिवर्स बायस होगा और कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अगर कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, तो आपका जो आउटपुट है वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्लियर है पॉइंट। जैसे यहां पर जब चार्ज हो रहा था तो आउटपुट इंक्रीजिंग था, अब आपका आउटपुट क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब अगर आपका आउटपुट डिक्रीजिंग है तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है, लास्ट स्लाइड में हमने लिया हुआ है कि जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो लेस है डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट से। मीनिंग क्या है कि डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बहुत ग्रेटर है। मीनिंग क्या है इसकी, कि जो डिस्चार्ज होगा वो बहुत स्लोली होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, यहां तक वो चार्ज हुआ, अब वो जब डिस्चार्ज होगा तो कुछ ऐसा होगा, देखिए सिर्फ यहीं तक जा पाएगा, मतलब वो कंप्लीट डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बहुत स्लो हो रहा है। कंप्लीट डिस्चार्ज होने के पहले ही, ठीक है ना, कंप्लीट डिस्चार्ज होने के पहले ही आपको नेक्स्ट इंक्रीजिंग इनपुट वेव फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको यहां पर डायरेक्ट इनपुट में शो करूं यहां से, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखिए यहां तक वो क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद उसे क्या होना है, डिक्रीज होना है, ठीक है, डिस्चार्ज होना है। तो देखिए, पर वो कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि कंप्लीट होने से पहले ही आपको नेक्स्ट इंक्रीजिंग इनपुट मिल गया, ठीक है ना। क्यों मिल गया, क्योंकि डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट आपका बहुत हाई है, डिस्चार्ज बहुत स्लो स्लो हो रहा है, इसलिए इतना स्लो हो रहा था कि उससे पहले ही नेक्स्ट इंक्रीजिंग इनपुट वेव फॉर्म आ गई, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर जो आपका आउटपुट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए, लाइक दिस, ठीक है, यहां तक वो डिस्चार्ज होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा आप समझिए। तो ये पॉइंट आपका क्या था, ये पॉइंट समझ लीजिए, मैं ले रहा हूं इस टाइम को अप टू टी टू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टी वन टू टी टू, ठीक है। डायोड क्या था आपका, रिवर्स बायस था, ठीक है, तो आपका ये डिस्चार्जिंग वेव फॉर्म बन गई। नाउ अगर मैं केस थ्री लेता हूं, तो केस थ्री में क्या होगा, ध्यान से देखिए, वेव फॉर्म जो है इनपुट वेव फॉर्म वो फिर से आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो डायोड आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, शॉर्ट सर्किट, तो जो आपका आउटपुट है वो फिर से क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, देखिए, अप टू मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि कैपेसिटर आपका मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को अगर मैं टी थ्री कंसिडर कर लूं, तो आपका टी टू टू टी थ्री क्या हो जाएगा, डायोड जो है दैट विल बी फॉरवर्ड बायस, और जो आपका आउटपुट है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग, ठीक है। सेम पैटर्न देखिए आप, फिर से यहां से डायोड फिर से आपका रिवर्स बायस होना चालू हो जाएगा, और जो आपका आउटपुट है वो क्या होना चालू हो जाएगा, डिक्रीजिंग, तो आपका आउटपुट कुछ ऐसा आ जाएगा, देन अगेन इंक्रीजिंग, देन अगेन डिक्रीजिंग। तो इस तरह से आपका आउटपुट जनरेट होता है इन केस ऑफ एनवेलप डिटेक्टर, ठीक है। नाउ यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है, आप देखिए, इनपुट आपका प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म थी, ठीक है, आपको पॉजिटिव साइड भी शो हो रहा था और नेगेटिव साइड भी, लेकिन आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड ही आपको शो हो रहा है, नेगेटिव साइड आपको शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो एनवेलप डिटेक्टर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनवेलप प्रोवाइड करता है। आइडियल केस पे हम ये लेके चलते हैं कि कंप्लीट पॉजिटिव एनवेलप, ठीक है। तो आइडियल केस क्या है आपका एनवेलप डिटेक्टर का,
पॉजिटिव एनवेलप, ठीक है। तो एनवेलप डिटेक्टर का यही मीनिंग होगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको पॉजिटिव वैल्यूज तो मिल रही है लेकिन कंप्लीट पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, लेकिन हम आइडियल केस यही लेके चलते हैं, ठीक है, कंप्लीट पॉजिटिव एनवेलप। तो ये आपका ऑपरेशन होता है एनवेलप डिटेक्टर का, ठीक है। इस ऑपरेशन को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के रेस्पेक्ट में समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ एएम वेव फॉर्म कंसिडर करेंगे और उनको हम लोग एनवेलप डिटेक्टर से पास करके उनका आउटपुट देखेंगे। उससे हमें बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि एनवेलप डिटेक्टर किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो मैं यहां पर केस वन कंसिडर कर रहा हूं, विच इज अंडर मॉड्यूलेशन। अंडर मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन एंड ओवर मॉड्यूलेशन, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अंडर मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म कैसे जनरेट होगी मैंने आपको अच्छे से समझाया है उस वीडियो में, आप उस वीडियो को फॉलो करके समझ सकते हैं। यहां पर मैं डायरेक्टली एएम वेवफॉर्म बना रहा हूं फॉर अंडर मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो कुछ इस तरह की वेवफॉर्म हमने बनाई थी, टी, ओके, एस टी। नाउ दिस इज योर पॉजिटिव साइड एंड दिस इज योर नेगेटिव साइड, ओके, एंड इन बिटवीन देयर इज अ कैरियर, ओके। सो ये हमने बनाया था फॉर अंडर मॉड्यूलेशन। जब ये वेवफॉर्म आपकी एनवेलप डिटेक्टर से पास होगी तो जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनवेलप। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव एनवेलप कुछ ऐसा है आपका, ठीक है ना, ये है आपका पॉजिटिव एनवेलप। जो नेगेटिव एनवेलप है वो नहीं आएगा। एनवेलप मींस व्हाट? पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, दैट्स इट, ओनली दिस पार्ट। नाउ मैंने लास्ट वीडियो में जब आपको अंडर मॉड्यूलेशन एक्सप्लेन किया था तो मैंने एमटी भी इसी तरीके की वेवफॉर्म ली थी, तो यहां पर आपका एमटी जनरेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें, ठीक है। नाउ अब अगर मैं केस टू लूं क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, तो क्रिटिकल मॉड्यूलेशन के लिए हम लोगों ने कुछ इस तरह की वेवफॉर्म जनरेट की थी। देखिए जरा आप, ये रही आपकी वेवफॉर्म, ये रही वेवफॉर्म आपकी, ठीक है ना। जस्ट आपकी जीरो को टच करेगा पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड, ओके। तो दिस इज योर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म फॉर क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। अब अगर आप इसे एनवेलप डिटेक्टर से पास करेंगे तो जो आपका आंसर है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, देखिए लाइक दिस, के ठीक है। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये इसका भी जो शेप है वो बिल्कुल एम्प्टी जैसा ही है आपका, आपको फिर से मैसेज सिग्नल रिकवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन जो आपको पॉजिटिव एनवेलप मिल जाएगा, ठीक है ना, यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। एनवेलप डिटेक्टर मींस पॉजिटिव एनवेलप। नाउ अब अगर मैं केस थ्री को कंसिडर करूं जो ओवर मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म का था, ओवर मॉड्यूलेशन, तो उसमें आप देखिए इस तरह की वेव फॉर्म आई थी हमारे सामने लाइक दिस, ठीक है। ये रही आपकी वेव फॉर्म, ठीक है, जो आपका मिनिमम वैल्यू थी ए एस मिनिमम वो नेगेटिव साइड में चले गई थी। सेम अगर मैं नेगेटिव पोर्शन को ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो जो आपकी इस तरह की जो वेव फॉर्म जनरेट हुई थी इन केस ऑफ ओवर मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म, ठीक है। तो अब अगर आप पॉजिटिव एनवेलप को कैलकुलेट करने जाएंगे वाया एनवेलप डिटेक्टर, जब भी आप इसे एनवेलप डिटेक्टर से पास करेंगे तो जो पॉजिटिव एनवेलप आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, देखिए जरा यहां पर देखिए पॉजिटिव एनवेलप आपका क्या है, लाइक दिस एंड दिस, ओके। तो कुछ ऐसा आ जाएगा आपका ये, ठीक है, उसके बाद दिस वेव फॉर्म देन दिस, ओके। तो ये कहीं से भी आपका मैसेज सिग्नल का जैसा नहीं है, मैसेज सिग्नल आपने साइनोसॉइडल वेव फॉर्म लिया था जब आपने अंडर मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन एंड ओवर मॉड्यूलेशन का यूज किया था, ठीक है, जब आपने उसका कंसेप्ट पढ़ा था। तो यहां पर आप देख सकते हैं इन केस ऑफ अंडर मॉड्यूलेशन आपको साइनोसॉइडल वेवफॉर्म मिल रही है, जो आपने मैसेज दिया था वो आपको मिल रहा है, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड से इतना प्रॉब्लम नहीं है, शेप चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैसेज का शेप एग्जैक्टली वही है, ठीक है। क्रिटिकल में देखिए अगेन मैसेज का शेप आपका एग्जैक्टली वही है, बट अगर आप ओवर में देखेंगे तो मैसेज का शेप आपका साइनोसॉइडल नहीं है, मतलब जो मैसेज आपने कंसीडर किया था वो मैसेज आपको नहीं मिल रहा है। क्लियर है अच्छे से, क्यों नहीं मिल रहा है? एक्चुअल में जब मैंने आपको ओवर मॉड्यूलेशन पढ़ाया था तब भी मैंने इस पॉइंट पे हाईलाइट किया था, यहां आपकी जीरो क्रॉसिंग है, देखिए जीरो को क्रॉस करता है आपका, इस वजह से जो आपकी वेव फॉर्म है वो आपकी रिकवरेबल नहीं है, क्योंकि एनवेलप डिटेक्टर जो है वो सिर्फ पॉजिटिव साइड को देता है। तो यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है कि जो आपका पॉजिटिव पोर्शन था उसका मिनिमम पार्ट नेगेटिव था, जो नेगेटिव पोर्शन था उसका मिनिमम पार्ट पॉजिटिव था,
तो यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव पोर्शन मिक्स हो गए हैं बिकॉज ऑफ जीरो क्रॉसिंग, इसीलिए आपको आउटपुट नहीं मिल पाया। तो यहां से आप कंक्लूजन अगर देखें एनवेलप डिटेक्टर के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन है, इट इज वैलिड ओके फॉर अंडर मॉड्यूलेशन एंड क्रिटिकल मॉड्यूलेशन ओके, बट नॉट वैलिड फॉर ओवर मॉड्यूलेशन। क्लियर है पॉइंट? ओवर मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म के लिए आप एनवेलप डिटेक्टर का यूज नहीं कर सकते हैं। नाउ हम लोगों ने टू टाइप्स की डीमॉड्यूलेशन टेक्निक स्टडी कर ली है। फर्स्ट इज स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन, जिसकी डिसएडवांटेज हमने देखी थी, तभी हमने फिर सेकेंड स्टडी की थी एनवेलप डिटेक्शन। इसकी डिसएडवांटेज क्या है आपकी, कि ओवर मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म के लिए आप यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें थर्ड डीमॉड्यूलेशन टेक्निक स्टडी करनी होती है, सिंक्रोनस और कोहरेंट डिटेक्शन ओके, जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। बट अभी यहां पर एनवेलप डिटेक्शन में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ के ए, सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, क्या इंपॉर्टेंस होती है इस टर्म की के ए की, वो हम स्टडी करते हैं। तो जो हमने लास्ट थ्री स्लाइड्स में देखा है कि एनवेलप डिटेक्शन टेक्निक्स आपकी ओवर मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म के लिए यूज नहीं हो सकती, जबकि अंडर मॉड्यूलेटेड एंड क्रिटिकल मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म के लिए यूज हो सकती है, तो उसके पीछे का रीजन हम समझने की कोशिश करते हैं, तभी हमें के ए की सिग्निफिकेंस भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हम जानते हैं जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो क्या होता है, के ए इंटू ए एम होता है। ठीक है, ए एम क्या है आपका, मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड। ठीक है, जो ए एम की वैल्यू है वो जनरली 1 या 1 से ज्यादा ही होती है। ठीक है, जनरली तो एम ए जो है वो लेस देन या इक्वल टू 1 कब होगा, जब आपका जो के ए है वो क्या होगा, आपका लेस देन 1 होगा। ठीक है ना, ए एम की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, के ए की वैल्यू आपको उतनी ही लेस करनी होगी फॉर एम ए टू लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि आप देख चुके हैं कि जो आपका एनवेलप डिटेक्टर है वो अंडर मॉड्यूलेशन एंड क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, दैट इज एम ए लेस देन इक्वल टू 1 के लिए वैलिड है। तो इफ यू वॉन्ट टू यूज एनवेलप डिटेक्शन टेक्निक, तो आपको के ए को लेस देन 1 करना होगा, के ए को आपको इस तरह से एडजस्ट करना होगा कि एम ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, तभी आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है के ए का। ठीक है ना, क्लियर है अच्छे से? तो ये पूरी टेक्निक आपकी एक्चुअली के ए पर ही डिपेंड करती है कि के ए की वैल्यू आपकी क्या है। ठीक है, क्लियर है? नाउ जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें लेना है एनवेलप डिटेक्टर में, वो ये लेना है कि सपोज करिए अगर आपको कोई भी सिंपल सी वेव फॉर्म गिवन हो, ठीक है, या सिंपल सा आपको कोई इक्वेशन गिवन हो, तो आप उसका एनवेलप डिटेक्शन आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये इंपॉर्टेंट होगा। सपोज करिए आपको इक्वेशन गिवन है एस टी इज इक्वल टू ए सी 1 प्लस के ए एम टी कॉस ओमेगा सी टी ओके, तो इसका जो आउटपुट होगा एनवेलप डिटेक्टर का वो कितना हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ ए सी 1 प्लस के ए एम टी। ठीक है, क्लियर है? मींस एनवेलप एम्पलीट्यूड ओके। टेक वन मोर एग्जांपल, एस टी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा ओके, इस केस में आपका एनवेलप डिटेक्टर का आउटपुट क्या होगा, आउटपुट ऑफ एनवेलप डिटेक्टर विल बी अगेन एम्पलीट्यूड, दैट मींस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओके। सो आप कोई भी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, एग्जाम में जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो एनवेलप डिटेक्टर आउटपुट का मीनिंग होगा आपको एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? ओके, तो ये आपका था सेकेंड कंसेप्ट, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन केस ऑफ एनवेलप डिटेक्शन ओके। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज चॉइस ऑफ डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट। डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट मीन्स आर एल इंटू सी ओके। हमने यहां पर देखा था ऑपरेशन के समय ऑफ एनवेलप डिटेक्शन कि जो आपका डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है, इट शुड बी ग्रेटर देन चार्जिंग टाइम कांस्टेंट ओके। जिससे क्या हो रहा था, आपका डिस्चार्जिंग बहुत स्लो हो रही थी और पूरी डिस्चार्जिंग होने के पहले ही वापस से चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी ओके, और आपको पॉजिटिव एनवेलप मिल जाता है ओके। सो ये आपका ऑपरेशन था एनवेलप डिटेक्शन का। बट आप सपोज करिए अगर डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बहुत ही ज्यादा ग्रेटर हो जाए, तो उससे क्या होगा कि कभी डिस्चार्जिंग होगी ही नहीं,
इसलिए जो टाउडी की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा लेस भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए। तो एक्चुअल में टाउडी की रेंज होनी क्या चाहिए, आरएलसी की रेंज होनी क्या चाहिए, तो वो रेंज होनी चाहिए आपकी आरएलसी शुड बी ग्रेटर देन 1/fc एंड शुड बी लेस देन 1/fm। ये आपकी एक्चुअल रेंज मानी गई है कि अगर आप आरएलसी की रेंज इतनी यूज करते हैं, आरएलसी की वैल्यू अगर आपकी इस रेंज में है, तब आपका ऑपरेशन बिल्कुल प्रॉपर होगा। क्लियर है पॉइंट? और अगर आप इस रेंज में वैल्यू यूज नहीं करते हैं आरएलसी की, तो जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं डायगोनल क्लिपिंग। ओके, ये कब आएगी प्रॉब्लम? जब आप डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट को बहुत ही ज्यादा हाई ले लेंगे, देन दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड डायगोनल क्लिपिंग। ठीक है, लॉजिक क्लियर है अच्छे से? तो ये आपका एनवेलप डिटेक्टर का पूरा कंसेप्ट होता है। ठीक है, अगर आपको इस कंसेप्ट में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।